आज हम लोग चर्चा करेंगे कैसे दवाइयों को सुचारू रूप से लेना करने की क्या अहमियत है। देखिए मधुमेह में अगर मधुमेह आपकी पूर्ण तरह से कंट्रोल है तो आप लंबे समय तक इसकी जटिलताओं से बच सकते हैं। कितनी मधुमेह बढ़ी है इससे जटिलताओं पर फर्क नहीं पड़ता। अगर लिमिट के ऊपर शुगर है तो जटिलता उतनी ही होती है, कॉम्प्लिकेशन उतने ही होते हैं आपके गुर्दे पे, हार्ट पे, आँख पे, दिमाग पे, जिगर पे, पूरे शरीर पे, नसों पे, तंत्रिकाओं पे उतना ही असर पड़ता है। बशर्ते शुगर आपकी 150 हो या 200 हो या 300 हो या 1000 हो, इससे फर्क नहीं पड़ता। अगर कंट्रोल के बाहर है तो कॉम्प्लिकेशन उतने ही होते हैं। इसीलिए समय समय पर जो डॉक्टर ने आपको दवा बताई है मधुमेह के लिए, शुगर के लिए, कोलेस्ट्रॉल के लिए, आपकी ब्लड प्रेशर के लिए, सब चीज़ें साथ साथ दवाएं वक्त पे पाबंदी से और डॉक्टर की निगरानी में खाते रहिए, जिससे आगे जटिलताएं कम से कम हो सकती हैं और कुछ जानलेवा भी। क्योंकि देखिए जब तक हाथ पैर चलेंगे आपके, जब तक शरीर है, जब तक जान है, जब तक जान है तो जान है। अगर आपका शरीर डैमेज हो गया, आपके पुर्जे डैमेज हो गए तो जीना ना जीना बेकार सा रहेगा। तो आप पहले ही कहेंगे कि मुझे क्यों ऊपर वाले ने पहले नहीं उठा लिया। इसीलिए आप सतर्क रहिए, दवाएं वक्त पे खाते रहिए, डॉक्टर से मिलते रहिए और स्वस्थ रहिए। आज हम लोग चर्चा करेंगे प्री डायबिटीज या पूर्व मधुमेह और कैसे डायबिटीज से आप बच सकते हैं। देखिए डायबिटीज एक बार हो गई फिर तो हो ही गई। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको हनीमून डायबिटीज होती है, जो इंसुलिन लगाने की मशीन कुछ बीमार हो जाती है तो 7-6 महीने में रिकवर हो जाती है, लेकिन ऐसे बहुत कम केस होते हैं। एक बार डायबिटीज हो गई फिर तो हो ही गई। लेकिन पूर्व मधुमेह ऐसा टाइम है जबकि शुरुआत में या तो खाली पेट थोड़ी सी बॉर्डर पे है शुगर, या खाने के 2 घंटे बाद थोड़ी सी बॉर्डर पे क्लियर डायबिटीज नहीं है। इस स्थिति में 2 बातें हो सकती हैं 1-2 साल के बाद, या तो आप पूरी तरह से डायबिटिक हो जाएंगे या आप बिल्कुल नॉर्मल हो जाएंगे। प्रयास ये करिए, जो लोग प्री डायबिटीज में हैं ये लोग कोशिश अगर करें अपने लाइफस्टाइल से, खान पान से, दिनचर्या से, और कुछ दवाएं भी ऐसे लेके, अगर वजन ज़्यादा है उसको कंट्रोल करिए, बीपी ज़्यादा है उसे कंट्रोल करिए, कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा है उसको कंट्रोल करिए, टेंशन ज़्यादा है तो कम करिए, और किस तरह का सब रिस्क फैक्टर आप कंट्रोल करें तो हो सकता है आप प्री पूर्व डायबिटीज या पूर्व मधुमेह से आप एक नॉर्मल इंसान बन सकते हैं। तो अगर ये संदेश उन लोगों को पहुँच रहा है जो लोग पूर्व डायबिटीज या प्री डायबिटीज से ग्रसित हैं, तो वो लोग अगर सतर्क हो सकते हैं, थोड़ा सा अपना ऊपर वक्त दें अपने शरीर के ऊपर, तो हो सकता है वो बिल्कुल नॉर्मल की तरह अपना जीवन व्यतीत कर सकते हैं। आज हम लोग एक टॉपिक है फैमिली एंड डायबिटीज के ऊपर चर्चा करेंगे। एक मधुमेह आप लोग सब जानते हैं कि बहुत जानलेवा रोग है और इंडिया में आज की तारीख में 10-12% लोग इससे ग्रसित हैं, और बहुत जवानी में भी ऐसी जटिलताएं हो जाती हैं जिससे आदमी को या तो बहुत महंगा इलाज करना पड़ता है या जान के लेने देने पड़ जाते हैं। जिस आदमी के घर में माता पिता, अगर एक माता पिता में किसी को डायबिटीज़ है मधुमेह, तो बच्चे को 40% करीब संभावना रहती है मधुमेह बनने की, और अगर दोनों माता पिता को है तो 80-90% संभावना है मधुमेह बनने की। इसमें ऐसा भी हो सकता है कि अगर माँ तो नहीं है लेकिन माँ के भाइयों को है, या फादर को नहीं है और फादर के भाइयों को है, तो वो भी फैमिली ट्रेट माना जाएगा। तो अगर ऐसा खानदान में कुछ आपकी हिस्ट्री है तो आपको बहुत सतर्क रहना की ज़रूरत है, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि डायबिटीज शुरुआत में हो जाए, हो सकता है 40 साल पे हो सकता है 50 साल में हो, लेकिन आप सतर्क रहेंगे, समय समय पे डॉक्टर से मिलते रहेंगे, अपनी टेस्टिंग कराते रहेंगे तो आप इससे बच सकते हैं।